इफ़ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड इज 65 mm, फाइंड द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 312 सच कार्डबोर्ड्स। तो 12 कार्डबोर्ड्स की जो टोटल थिकनेस होगी वो 65 mm दी हुई है, तो क्वेश्चन में 312 कार्डबोर्ड्स की टोटल थिकनेस पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी वैल्यू डायरेक्टली वेरी कर रही है, तो इसके लिए हम पहले एक टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हो जाएगा थिकनेस सेकंड में हो जाएगा नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स, तो फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है कि 12 कार्डबोर्ड्स की 65 mm थिकनेस है, तो यहाँ पे 65 mm लिख देंगे और यहाँ पे 12 कार्डबोर्ड्स हो गए। सेकंड कंडीशन में थिकनेस पूछ रहा है जबकि 312 कार्डबोर्ड्स दिया हुआ है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियोज हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो इनका रेशियो इक्वल कर लेते हैं एक दूसरे के, तो ये हो जाएगा 65 mm अपॉन 12 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 312। अब 312 लेफ्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 65 mm मल्टीप्लाई 312 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 टू या 24 और 12 सिक्स या 72, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 65 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1690 mm। तो इसकी वैल्यू हम सेंटीमीटर के फॉर्म में भी लिख लेते हैं जो कि हो जाएगी 169 सेंटीमीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।